Assalamualaikum, आप देख रहे हैं किचन विद साइमा यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में आपको बनाना सिखाऊंगी घी का रायता, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा मुफीद होता है बिकॉज ये ठंडा होता है। तो टाइम वेस्ट के बिना हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ जी, हम अपने किचन में आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने घिया लिया है, घिये को अच्छे से मैंने कद्दूकश कर लिया था। एक अदद मैंने यहाँ पर घिया लिया है, इसको मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया, ये आपको नज़र आ ही रहा होगा। उसके अलावा आधा किलो मैंने यहाँ पर दही लिया है, ये हाफ टेबल स्पून मैंने नमक लिया है और हाफ टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ली है। अब एक खुला बर्तन लेके उसके अंदर पानी ऐड करके हाफ ग्लास उसमें पानी आपने ऐड करना है और घी को बीच में डाल के इसको अच्छे से पकाना है 10 मिनट तक। और उतनी देर तक हम इसके अंदर इसको जो मलाई है या कोई भी चीज़ इसमें हो ये अच्छे से इस तरह मिक्स हो जाएगी। आपने इसको अच्छे से दही को मिक्स करना है। अब हम इसके अंदर काली मिर्च ऐड करके इसको मिक्स करेंगे, बाद में इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ये आप घर पर ज़रूर बनाइएगा। ये देखें ये हो चुका है। अब हम इसको ये देखें इसको हमने भून लिया है। आप इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके इसके बाद हमने इसमें इसमें ऐड करना है। आप गर्म मत ऐड कीजिएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसको हर खाने के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। याद रहे कि ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ये बहुत पसंद आई होगी और ये बहुत ही आसान है। आप इसको हर खाने के साथ भी खा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर करें। और अगर आप कोई भी मेरी रेसिपीज़ को अप्लाई करते हैं, मतलब के बनाते हैं और उसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साइमा मलिक 143 के नाम से अकाउंट है, तो मैं आप सबकी वहाँ पर पिक्चर्स को शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और आप मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।